बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको ये बेबी बॉय के लिए एक स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए बनाया है, न्यू बोर्न बेबी के लिए बनाया। तो इसके फ्रंट पे 4 बटन लगाए हैं और ये मैंने गले से स्टार्ट किया बनाना, और गले से स्टार्ट करके तो बाद में फिर इसके यहाँ से बाजू लैदा करके फिर नीचे वाला बना के फिर बाजू बनाया, और फिर एंड में मैंने इसके सारे बॉर्डर बनाए हैं, आगे वाली फ्रंट वाली पट्टी भी बनाई है। इसकी वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में मैं इसको गले से स्टार्ट करके फिर इसकी योक को कैसे डिवाइड करना है, और फिर कैसे बाजुओं का छोड़ के नीचे वाला कैसे बनाना वो बताऊँगी। फिर उसके बाद बाजू, नीचे के बॉर्डर और फ्रंट वाली पट्टी इसकी बनाऊंगी। इसका अगर साइज़ देखें तो ये कंधे से लेके नीचे तक बॉर्डर तक 28 सेंटीमीटर है। इसके जो बाजू हैं वो कंधे से लेके गले से लेके तो 25 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी विड्थ देखें तो ये चेस्ट से 24 सेंटीमीटर है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए इससे अगर ज़रा थोड़ा सा छोटा बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, और इससे बड़ा बनाना हो जैसे जिस बच्चे के लिए भी बनाना चाहते हैं उसके गले का साइज़ एक दफ़ा कर लेंगे तो उस साइज़ के मुताबिक ये जो पहले सबसे स्टार्ट वाली जो चेन्स हैं वो उस पहले साइज़ कर लें गले का, फिर उतनी चेन बनाएं। अगर 3 से 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाना 35 सेंटीमीटर उसके गले का साइज़ होगा तो फिर चेन बना के तो 35 सेंटीमीटर जितनी करके, यानी कि जितनी 35 सेंटीमीटर में चेन आएंगी वहाँ से फिर बनाना स्टार्ट करें। और जैसे मैंने इसको 5 इंचों में तकसीम कर लिया ऐसे करके तो फिर बनाएंगे तो फिर ऐसे, और अगर उससे भी बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही उसमें चेन में इजाफा करते जाएंगे। ये बनाने के लिए मैं डबल नीट ऊन यूज़ करने लगी हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बेबी यार्न है तो इसके लिए मैं 3 mm क्रोशिया यूज़ करूँगी। 0 to 3 मंथ बेबी के लिए 30 सेंटीमीटर नेक का साइज़ होगा तो उसके लिए मैं चेन बना लेती हूँ। तो चेन बना के साथ साथ मैं साइज उसका उसको मेयर करती जाती हूँ कि 30 सेंटीमीटर में कितनी चेन बनती। मैंने 66 चेन बना लिया तो उसको जब मेयर किया तो 30 सेंटीमीटर के लिए वो ठीक थी। ये जो 66 चेन बनाई हैं अब इनको 5 इंचों में तकसीम कर लेना। जो इसके दोनों फ्रंट हैं उस पर 9 9 होंगी, 9 9 होंगी। इसके जो बाजू हैं उसके लिए 15 15 होंगे, और इसके बैक के लिए 18 चेन होंगी। इसके पहले फ्रंट पर 9 चेन है तो 1 चेन स्टार्ट करने के लिए बनाएंगे। तो ये स्टार्ट में 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो जो 2 चेन छोड़ी हैं वो पहला हाफ डबल क्रोशिया होगा। तो ये दूसरा बनाया, सेकंड बना के थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9 हाफ डबल क्रोशिया बना के तो अब इसका यहाँ पे कॉर्नर बनाने के लिए अगला जो इसका शोल्डर है उसको स्टार्ट करने के लिए अब इसके 2 चेन बना के तो अब इसका बाजू वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 15 चेन है, 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
15 हाफ डबल क्रोशिए बना के स्टिच मार्क जो है इसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे फिर से कॉर्नर बनाएंगे दो चेन बना के। तो अब ये इसकी बैक वाली साइड है, तो इस पर 18 चेन है, तो इस पर 18 हाफ डबल क्रोशिए बनाएंगे, 18 हाफ डबल क्रोशिए। एटीन हाफ डबल क्रोशिए बना के अब इसका अगला जो शोल्डर है इसके बाजू वाला हिस्सा आगे, तो फिर से कॉर्नर के दो चेन बना के 15 हाफ डबल क्रोशिए बनाएंगे। पंद्रह हाफ डबल क्रोशिए बना कर इसके शोल्डर के, अब फिर से लास्ट वाला इसका फ्रंट रह गया, इसके फिर से कॉर्नर के दो चेन बना के। तो अब इसके ये 9 चेन है, तो इस पे 9 हाफ डबल क्रोशिए बना लेंगे। ऐसे इसके फ्रंट के भी 9 हाफ डबल क्रोशिए बना लिए। ऐसे फर्स्ट रो बनाने के बाद ऐसे ये बन जाएगा। ये इसके दो फ्रंट है, ये इसका शोल्डर है, इसके जो दो बाजू होंगे, और ये इसका बैक है। तो इसके अब हर एक रो में बढ़ाते जाना है। ये जो कॉर्नर बनाए हैं यहाँ से बढ़ाएंगे अब इसको। तो यहाँ पर जब इसका यहाँ पर आना है एक चेन यहाँ पर, एक यानी कि हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाना है, और ये इस पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बढ़ाना है। फिर आगे जाके एक यहाँ बैक पे भी एक स्टार्ट करने पे और एक एंड पे बढ़ाना है, दो यहाँ पे हो जाएंगे। फिर दो यहाँ बढ़ाने हैं और एक इसके लिए बढ़ाना है फ्रंट के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे पहली जो रो है उसका एंड किया था, तो अगली रो स्टार्ट करने के लिए दो चेन बना के, तो जो पहला हाफ डबल क्रोशिया उसकी बैक लूप लेके, तो पहला हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, ये जो दो चेन है ये स्टार्ट करने के लिए बनाई थी। नौ हाफ डबल क्रोशिए बना के फिर से ये जो एक यहाँ पे बढ़ाना है, तो ये जो दो चेन बनाई थी इसके अंदर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना के तो बढ़ा लेंगे। फिर से कॉर्नर के लिए दो चेन बना के, अब इसके शोल्डर वाले का भी एक बढ़ाना है यहाँ पे, तो इसके अंदर से फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद ये वाले 15 हाफ डबल क्रोशिए होंगे, और यहाँ आके फिर से एक बढ़ाना है।
इसके 15 हाफ डबल क्रोशिया बना के, तो इसके भी एक इसके अंदर से बना के तो एक बढ़ाएंगे, और फिर दो चेन बना के फिर अगले के लिए इसकी जो बैक है उसके लिए फिर एक बढ़ाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और फिर ये जो इसके बैक के 18 हैं तो इनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। इसके शोल्डर के भी 15 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं, इनको भी अब यहाँ पर एक बढ़ा के फिर ये जो इसका फ्रंट रह गया इसके लिए भी एक यहाँ पे बढ़ाना है, और फ्रंट के जो 9 हाफ डबल क्रोशे हैं इन पे 9 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन से भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फिर ये 9 हो जाएंगे, और इधर जो इसके यहाँ पे एक बढ़ाया है अब ये इसके फ्रंट पे 10 हो गए हैं, और शोल्डर के भी 2 बढ़े हैं तो 15 थे तो ये 17 हो गए, और ये 8 जो इसकी बैक है इसके 18 थे तो ये 20 हो गए, एक इधर से और एक इधर से बढ़ा, और फिर इस तरफ भी 17 हो गए हैं शोल्डर के, और ये भी इसके 10 हो गए। ऐसे इसके अब अगली रो स्टार्ट करनी है, उसमें भी पहले 2 चेन बना के तो बिल्कुल जैसे पहले किया वैसे ही, ये जो अब 10 इसके फ्रंट पे हाफ डबल क्रोशे हो गया, इनके ऊपर इसकी बैक लूप से हाफ डबल क्रोशे बनानी है, यहाँ पर आके एक इजाफा कर देना, 10 हाफ डबल क्रोशे बना के, और अब इसके अंदर से फिर से एक का इधर इंक्रीज करके तो फिर से 2 चेन बना के, तो फिर इसके ये शोल्डर है शोल्डर के लिए एक करेंगे, और फिर इसके ये जो पहला हाफ डबल क्रोशे है यहाँ से हाफ डबल क्रोशे बनाने स्टार्ट कर देंगे, इसके बाजू के 17 बना कर हाफ डबल क्रोशे, एक इसके अंदर से एक इंक्रीज करके 2 चेन बना के, अब इसकी बैक आ गई है तो उसके लिए भी एक इंक्रीज करेंगे, और इसकी बैक के 20 हैं उन पे हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, इसकी बैक के 20 थे तो एक इंक्रीज यहाँ से किया और एक इंक्रीज अब यहाँ से करके ये अब 22 हो गया, अब फिर से कॉर्नर के 2 बना के अब शोल्डर के लिए इसके बाजू के लिए एक इंक्रीज करना है, और अब इन 17 को के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना देने हैं तो ये 19 हो जाएंगे। इसके शोल्डर के बना के एंड में यहाँ पे एक बढ़ा के इंक्रीज करके 2 चेन कॉर्नर के लिए बना के यहाँ पे स्टार्ट में एक इसको इसके लिए भी फ्रंट के लिए भी इंक्रीज कर लेना, और बाकी जो है ये चेन इनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना देने, ऐसे इसके फ्रंट के भी बना के अब इसकी ये शेप बन गई है, तो इसको आप ऐसे ही बढ़ाते जाना है, फ्रंट का एक एक यहाँ से कॉर्नर से बढ़ाना है, यहाँ पर फिर शोल्डर स्टार्ट हो जाएगा तो शोल्डर के स्टार्ट में यहाँ एक बढ़ाना है, फिर यहाँ बढ़ाना है, फिर इसकी ये बैक है बैक में भी एक स्टार्ट में बढ़ाना है और एक यहाँ पे
एंड में बढ़ाना है। फिर ये शोल्डर के भी दो, ये एक यहाँ और एक यहाँ बढ़ा के फिर फ्रंट पे आ जाना, और फ्रंट पे भी यहाँ पर एक बढ़ा के, तो बाकी जो चेन होंगी उनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना। तो ये मैं इसकी तकरीबन 10 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से इसकी लेंथ करके तो मैं दिखाती हूँ। 12 राउंड बनाए हैं इसके, तो ये इतना बन गया ऐसे। अगर इसका साइज़ करें तो यहाँ से 4 इंच है, जो के 10 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी चेस्ट का साइज़ करें तो 21 सेंटीमीटर है, तकरीबन 8.5, तकरीबन 8.5 इंचज है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको अब ऐसे यहाँ से बनाते बनाते यहाँ से इसकी बैक साइड पे चले जाना है, और ये जो इसके बाजू के जो चेन है इनको स्किप कर देना है, और यहाँ पर इसका इनको मिलाने के लिए चेन बनाएंगे, 3 चेन एक यानी कि इस तरफ और 3 चेन इस तरफ। इसको जैसे पहले रो स्टार्ट करते हैं तो 2 चेन बनाते हैं, ऐसे 2 चेन बना के, तो जैसे पहले बनाते आ रहे हैं ऐसे ही इसके बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बना के, तो ये यहाँ से बनाते मैं जब यहाँ आके तो फिर बताती हूँ कि इनको एक दूसरे के साथ अटैच कैसे करना है। ऐसे ये यहाँ से सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया जो बनाते हुए यहाँ पर आके कॉर्नर पे ये जो कॉर्नर के 2 चेन है इसके अंदर से भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 3 चेन बना के ये जो सारी जो चेन है ये बाजू की हैं इनको इनको सबको स्किप करके अब यहाँ बैक पे आ जाना है। बैक के भी ये जो ये 2 चेन की स्पेस है उसके अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के तो आगे ये जो बैक के हाफ डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब ये जो सारे इसकी बैक के जो सारे हाफ डबल क्रोशिया हैं इन सब के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना के तो यहाँ पर आके फिर से मैं बताती हूँ, ये सारे सिंगल क्रोशिया बना के हाफ डबल क्रोशिया बना के तो अब इसका यहाँ पर भी जो कॉर्नर है उसके अंदर से भी हाफ डबल क्रोशिया बना के 2 फिर 3 चेन बना के ऐसे ये इसके बाजू के सारे हाफ डबल क्रोशिया इनको स्किप कर देंगे तो यहाँ पे बैक से आप फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। तो ये जो कॉर्नर है इसके अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के तो बाकी ये जो हाफ डबल क्रोशिया उनकी बैक चेन की बैक लूप से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये मैं यहाँ तक बना के तो दिखाती हूँ क्रोशिया बनाते हुए, यहाँ पर इस राउंड का एंड हुआ है जिसमें हमने अटैच किया, तो अब जो आगे इसका जो यहाँ पर नीचे वाली जो इसकी साइड है जैसे ये इसकी ऊपर वाली साइड है योक वाली साइड है, अब इसके नीचे अब इसका जो बनना है वो यही वाला जो डिज़ाइन है जैसे ये मैंने हाफ डबल क्रोशिए बैक लूप से हाफ डबल क्रोशिए का बनाया है से, अगर इसको ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई और भी डिज़ाइन नीचे बना सकते हैं। तो इसका मैं यहाँ पर अब 3 चेन बना के तो डबल क्रोशिए का क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन बनाना है।
डबल क्रोशिया का डिज़ाइन है, इसलिए तीन चेन से स्टार्ट करेंगे। तो इस डिज़ाइन को क्रॉस स्टिच कहते हैं। इसमें छोटे छोटे से डबल क्रोशिया के क्रॉस बनते हैं, तो इसमें ऐसे करना है कि तीन डबल क्रोशिया तीन चेन बना के अगली जो एक चेन है उसको छोड़ देना, और ये एक चेन स्किप करके जो उससे अगली चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया बना के, अब ये जो चेन स्किप की हुई है इस पे ऐसे बैक से डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। फिर से एक चेन स्किप करनी है, उससे अगली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर आप ये जो चेन एक स्किप की हुई है इसको दूसरी तरफ से बैक से इसका इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना देना। फिर से बताती हूँ, ये एक चेन स्किप करके उससे अगली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, और ये जो चेन एक स्किप की है फिर उसके ऊपर बैक से डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करनी है डबल क्रोशिया, और फिर जो चेन स्किप की हुई है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। बहुत आसान और बहुत छोटा सा डिज़ाइन है और बहुत प्यारा बनता है। ऐसे छोटा छोटा सा छोटा सी चीज़ बनाने के लिए छोटा डिज़ाइन ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको ने कोई और डिज़ाइन बनाना है वो भी बना सकती हैं, हाफ डबल क्रोशिया के साथ भी इसको पूरा नीचे तक बना सकती हैं, और डबल क्रोशिया सादा जैसे बनाते हैं उसके साथ भी कर सकती हैं अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना के, तो इसको नीचे तक मुकम्मल कर सकती हैं। एक चेन स्किप करनी है, उसे अगली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, और जो चेन स्किप की है फिर उसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक तीन चेन है जो सेंटर में बनाई थी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, एक चेन स्किप करके जो अगली चेन है उसके ऊपर पहले डबल क्रोशिया बना लेते हैं, और फिर जो एक चेन स्किप की है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब एक चेन है इसको स्किप करके, तो ये बिल्कुल पहले वाली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, और फिर जो जो स्किप की है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। ऐसे ही आप इस डिज़ाइन को बनाते जाना है, ऐसे ही छोटा छोटा सा डिज़ाइन बनता जाएगा। अब ये जो सारे चेन है इनके ऊपर भी ये वाला डिज़ाइन बना के, जैसे यहाँ से इन चेन के ऊपर भी डिज़ाइन बनाया है ऐसे ही यहाँ पर भी इन चेन के ऊपर भी डिज़ाइन बना के, तो यहाँ तक इसको मुकम्मल कर लेना। यहाँ से जो क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन स्टार्ट किया था सारे बनाते हुए, ऐसे यहाँ से भी ये जो चेन बनाई थी उनके ऊपर बनाते हुए जो इसका फ्रंट है वहाँ पर भी बना के, तो यहाँ पर एंड एक जो रो है वो डिज़ाइन की बनाई है, उससे अगली जो रो है वो सादी बनाऊंगी डबल क्रोशिया की। तो अगली रो स्टार्ट करने के लिए तीन चेन बना के, तो ये जो सारी चेन है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसको जो डबल क्रोशिया की राउंड स्टार्ट किया इसको बनाते हुए यहाँ से बैक, और बैक से फिर ऐसे फ्रंट पर आके, तो ये अब मैं नीचे तक बना लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कितना बनाया। इसको अब मैंने नीचे से बनाकर तकरीबन इसको 16 सेंटीमीटर नीचे से और बनाया, और ये ऊपर से लेके नीचे तक अब 26 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाजू और इसके बॉर्डर बनाना पार्ट टू में बताऊंगी, इसलिए आप मेरे आने वाली वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप ये मुकम्मल बनाना सीख लें।